मित्र और राम लखन भरत शत्रुघ्न वो सभी छोटे थे। एक दिन वो ब्राह्मण से तीर मारना अभिजय कर रहा और उसने बहुत बड़ा हो गया। फिर वो बागान में पूजा करने के लिए कुछ पपीना तोड़ने गया। फिर सीता के एक बहन के साथ वो राम लखन को देखा कि वो फूल तोड़ रही है। फिर वो सीता से कहा कि उसको देखे। फिर उसको देख तो लिया, पर उसके पिता ने एक तीर ले आया जो उसको एक दिया था। फिर उसने उसको कहा कि जो इस तीर को तोड़ देगा वो मैं सीता से विवाह करेगा। फिर ये केक कर आया और कोई भी तीर्थन का भंग नहीं कर पाए। ये केक कर ये हाथ में करा पर वो भी नहीं पड़ा। फिर राम आया, फिर वो इतने शक्ति से तोड़ा कि वो तीर्थन भंग हो गया। फिर सीता से उससे विवाह हुआ, पर उसके एक जो उसके तीर दिया था वो आकाश में धड़धड़ कर उठा। फिर उसको बहुत गुस्सा आया। फिर वो राम के पास गया और कहा कि तुम इस तीर्थन को भंग क्यों करे? मैं करा हूँ क्योंकि ये तो एक अभिजक था। वो कहा ठीक है, मैं तुम्हें और एक तीर्थनुक देता हूँ। उसे उठा कर देखा। फिर उसको वो उठाया। फिर उसके और एक विवाह हुई। फिर सबको सजाया गया और सब दोनों तीन चारों की शादी हो गई। फिर उसने उस तर्पण कौशला बहुत उसके कई कई अपने घर में सेवा कर रही थी रानियों। फिर एक बूढ़ी औरत ने मंत्रा बूढ़ी ने उससे कहा कि तुम मेरा ये शर्त में काम करोगे? क्या शर्त? फिर उसने कहा कि तुम राम को चौथा सर बनवास दोगे और तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बनाओगे। फिर उसने कहा नहीं, मैं राजा को ये नहीं कह सकता, तुम कहो नहीं तो राम को राजा बना देगा। ठीक है, मैं कहूँगा। फिर उस मंत्रा बुन्नी वहाँ से चले गया और पद्दा के पीछे छुप गया। फिर राजा के पास कई कई गुस्से में लाल होकर गया। फिर उसने कहा क्या हुआ कई, तुम तो लाल क्यों हो गए हो? फिर कहा कि तुम मेरा दो वचन दिए थे ना राजा। फिर उसने सोचा कि मैं उसे दो वचन दिया था। फिर हाँ, मैं तो तुम्हें दो वचन दिया ही था। फिर कई ने कहा मुझे पहला वचन चाहिए कि राम को 1400 साल वनवास और भरत को तुम राजा बनाओ। नहीं, मैं राम को ही राजा बनाऊंगा और सीता को भी रानी बनाऊंगा। फिर कहा नहीं, तुम उसे राजा बनाओ भरत को, नहीं तो 1400 साल वनवास हो जाएगा। ठीक है, राम को 1400 साल वनवास और भरत को राजा बनाएंगे, भारत तो के राजा बनावे। फिर उसके राम उसके कमला कापड़ पढ़कर वो उसने बाहर जाने के जाया। और फिर सीता ने कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलो। फिर उसने कहा नहीं सीता, मेरा ही वनवास है, वो मैं तुम्हें नहीं ले सकता हूँ।